अगर आप भी खुद को अकेला समझते हैं तो यात्रा करना शुरू करें। यकीन मानिए, कई नए रिश्ते आपका स्वागत करेंगे। तो बस निकल पड़े पहाड़ों से दोस्ती करने। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे पहाड़ों में घूमना पसंद ना हो, तो इसलिए इस बार हमने अपनी लिस्ट में से पहाड़ों की रानी मसूरी को चुना है। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं सरिता फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ में। तो मैं आपको आज लेके जाने वाली हूँ पहाड़ों की रानी मसूरी। और इस टाइम जो मैं अभी स्टे किया हुआ है हमने, वो है हम देहरादून में। देहरादून हम रात को ही आ गए थे, 9 बजे हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुँच गई थी। तो 8 बजे यहाँ से बसें बंद हो जाती हैं मसूरी के लिए, तो वहाँ से जाना पॉसिबल नहीं था। और जो प्रीपेड टैक्सी होती हैं, वो प्रीपेड टैक्सी काफ़ी कॉस्टली थी, मतलब 1500 रुपये थे एक टैक्सी का, चाहे आप 2 लोग हो या आप 1 लोग हो। तो वो हम फिर नहीं गए क्योंकि वो हमारे आउट ऑफ बजट हो रही थी। तो हमने नाइट में यहीं पर ही एक रूम लेके स्टे किया है। अब हम निकलने वाले हैं मसूरी के लिए, तो बने रहिए आप मेरी वीडियो में क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं आपको दिखाती हूँ मसूरी पहुँच के किन ट्रेन। और यहाँ से अब शुरू होता है हमारा सफर। मसूरी घूमने के लिए हमने एक स्कूटी रेंट करी थी जिसका रेंट 300 पर डे का था, और इसे हमने अगले दिन के लिए भी बुक कर लिया। तो आगे का जो सफर रहेगा वो हम इसी से तय करेंगे। हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जगह है सारी काफी दूर दूर है एक दूसरे से। मीटर दूर है यहाँ से, और बाकी ये व्यू देख के मैं तो बिल्कुल ही पागल हो गई। मेरा ये पहला हिल स्टेशन टूर है, मतलब मैं पहली बार आई हूँ और वो भी मसूरी पहाड़ों की रानी। यकीनन ये मुझे इतना अच्छा लगा, बाकी तो मुझे पता नहीं कि और क्या है कैसे है, बट गजब है, गजब गजब। मैं बिल्कुल ही पागल हो गई ये देख के। आप देखो मेरा कैमरा फोकस नहीं ले रहा, वो अलग बात है। अभी सस्ता फ़ोन है, महंगा फ़ोन लाऊँगी ना तब मैं आपको अगला हिल स्टेशन का टूर ज़रूर कराऊँगी। बाकी आप देख सकते हो, मतलब I can't explain my feeling. फ्रेंड्स, अभी हम लाल टिब्बा पे हैं और ये हमने मंगाया है सैंडविच। इट्स वेरी लोडेड और ये अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे खाऊं कैसे क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है। और मैं करके आई हूँ लंच। बाकी फिर मैं आपको व्यू दिखाऊं, मैं तो यहाँ स्पेशली व्यू खिलाई थी कि यहाँ पे सनसेट होते हुए दिखेगा और मैं आपको जरूर दिखाऊँगी सनसेट होते हुए। फिलहाल आप लोग आ जाओ। और तो फ्रेंड्स, अब हम लाल टिब्बा होके आ गए हैं। लाल टिब्बा में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ऊपर आपको एक टेरेस मिलता है, टेरेस के ऊपर कैफ़े है और वहीं पे आप अपनी मील इंजॉय कर सकते हो, सनसेट देख सकते हो। बाकी वहाँ का जो एंट्री चार्जेस है वो एंट्री टिकट आपका 50 रुपीज़ पर पर्सन है। तो अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो ऊपर जाके तो वो आपका 50 रुपीज़ लेस हो जाता है, मतलब आप ऊपर फ्री में नहीं जा सकते हो, आपको 50 रुपीज़ देने ही पड़ेंगे। और अगर कुछ ऑर्डर करोगे तो वो माइनस हो जाएगा, नहीं करोगे तो फिर वो तो है ही। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, रेस्टोरेंट था। हमने वहाँ पे आपने जैसे देखा हो क्या खाया था हमने, मतलब
सैंडविच था वो बहुत हैवी हो गया, और अब हम जा रहे हैं वही नीचे थोड़ा वहाँ पे लाल डिब्बा के नीचे की साइड पे, वो लाल डिब्बा के नीचे एक लैंड और है वो आप देख सकते हो, उसमें सिर्फ चार दुकानें हैं जो फोर सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं, बाकी वो बहुत पुरानी है तो इसलिए फेमस है। तो अभी हम जा रहे हैं होटल में क्योंकि अब शाम भी हो चुकी है और हमारा पेट बहुत ज़्यादा भर चुका है,